हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा बहुत खुशी का दिन है। मैंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया था, वो आ चुका है और उसके साथ एक माउस पैड भी है। मैं उसका आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग करूँगा, बाकी उसका टेस्टिंग करने के बाद रिव्यू आपको दूंगा और वो भी बहुत अच्छे से डिटेल में दूंगा। एक एक चीज़ बताऊँगा कि लैपटॉप लेने के बाद क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, क्या क्या पार्ट्स को कैसे टेस्ट करना है, सॉफ्टवेयर्स को कैसे टेस्ट करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैसे टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके साथ साथ जो मैंने माउस पैड लिया हुआ है उसका भी टेस्टिंग करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो लैपटॉप लिया हुआ है वो कैसा है। तो चलो शुरू करते हैं। ये सामने आपको लैपटॉप दिख रहा है और ये रेड गियर का माउस पैड। लैपटॉप जो है वो Asus का है और ब्रांडिंग आपको दिख रही है टफ F15 लैपटॉप, और माउस जो है वो रेड गियर MP35। तो ये दो चीज़ों का हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आई होप मैं अकेला एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आई होप रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही होगी, आपको दिख रही होगी। तो चलो जी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्स एकदम टफ है। सबसे पहले मैं बॉक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे मॉडल नंबर और डिटेल्स हैं बार कोड्स के, पीछे मेरा एड्रेस वगैरह है और मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ ये, प्राइस वगैरह है। ये लॉन्च हुआ है मार्च या जून में शायद, और जैसे ही अवेलेबल हुआ मैंने ख़रीद लिया, ऑर्डर कर दिया। तो ये मैंने आपको तीनों साइड से दिखा दिया। ये इस तरह से है, ठीक है। पहले लैपटॉप का अनबॉक्सिंग करेंगे, बाद में माउस पैड का देखेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। एकदम परफेक्ट बॉक्स है। जैसे ही नाम है लैपटॉप का टफ, उसी तरह इसकी पैकेजिंग भी है। बाकी तो चालू करने के बाद पता चलेगा कि हाउ इट वर्क्स। इसमें अब खोल देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा काटना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। अभी इसको खोलते हैं। जैसे ही खोलता हूँ इसको मैं, तो आपको दिख रहा होगा एकदम स्टिकर्स कुछ दिख रहे हैं। ये जो स्टिकर्स है ना, ये अलग अलग है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये इतने सारे स्टिकर्स है। या आप शीशे में, आपका जो शीशा है घर का, वहाँ लगा सकते हैं, या फिर कहीं भी, या फिर इस पर भी लगा सकते हैं, या फिर लैपटॉप पर भी लगा सकते हैं। जहाँ आपको लगाना है वहाँ आप उसको डिज़ाइन कर सकते। और ये ऊपर लैपटॉप है, वो कपड़े की जो थैली है उसमें है। तो इसको मैं पहले साइड में रख देता हूँ, एकदम आराम से उठा के पहले मैं इसको जगह बना लेता हूँ इस साइड में, और अभी मैं इसको उठा के साइड में रख देता हूँ। ओके, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि लैपटॉप के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले यूज़र मैनुअल है, एक एक चीज़ को देखेंगे। उसके बाद कुछ और एक मैनुअल है, और इसके साथ Asus का एक कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के डिटेल्स है, ठीक है। तो ये तीन यूज़र मैनुअल्स है। इसमें से सबसे ऊपर वाला जो है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है क्या करना है क्या नहीं, या फिर लैपटॉप में कितने पोर्ट्स है, क्या क्या फीचर्स है, यू नो, सब चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना कि लैपटॉप में क्या क्या अवेलेबल है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता दूंगा। ये देखो टफ का लोगो। उसके बाद ये जो है कि यहाँ पे फर्स्ट एडिशन लिखा है मार्च 2021। आई थिंक मुझे क्या फर्स्ट एडिशन मिला है क्या, पता नहीं, लेकिन नया लॉन्च हुआ था तो मैंने फट से ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे लिखा है कि जब आप लैपटॉप चालू करेंगे तो उसको कॉर्ड लगा देना चार्जिंग का और 3 घंटे पूरा चार्ज कर लेना, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्शन शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। बाकी ये देखो, ये पूरा पढ़ूंगा नहीं मैं,
बस आप स्क्रीनशॉट मार के देख लेना, ठीक है? आई होप इट इज़ विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर क्या क्या देख लेता हूँ। इस साइड में ओके, इस साइड में जो है वो चार्जिंग कॉर्ड है, बैटरी है, सॉरी चार्जिंग कॉर्ड है, जो कि 200 वैट की है। राइट, मैंने जो पढ़ा था वही है। पीछे भी एसी अडाप्टर लिखा हुआ है 200 वाट का, ठीक है? तो ये है। और दूसरे साइड में जो है उसको जो चार्जिंग करने के लिए प्लग जो होता है वो है, वो इंडियन स्टाइल में ही है, मतलब आप नॉर्मली 3 पिन सॉकेट में लगा सकते हैं, ठीक है? बाकी तो कुछ नहीं है। देखिए पैकेजिंग वाज वेरी गुड आई मस्ट से, जैसे लैपटॉप का नाम वैसे उसका पैकेजिंग, ठीक है? आई एम वेरी मच इम्प्रेस विथ द पैकेजिंग। अभी मैं इसको रख देता हूँ। क्या हो गया, कहाँ अटक गया? ओके हो गया, ठीक है। ये बॉक्स को मैं उठा के नीचे रख देता हूँ। देखो अगर अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर F15 है ना तो वो इंटेल का है, अगर A15 रहेगा तो AMD राइजन प्रोसेसर है, अगर F15 है तो इंटेल प्रोसेसर है। अभी जो मेरा जो लैपटॉप है उसका जो प्रोसेसर है वो इंटेल इनसाइड, मतलब i5 11 जनरेशन जो कि लेटेस्ट है, 6 कोर 12 थ्रेड्स उसमें है। मतलब देखते देखते बताऊंगा मैं आपको क्या क्या है और इसमें। बाकी अभी दुल्हन को घूंघट से निकालेंगे बाहर। वाइट कलर का ये कैरी है, कैरी बैग है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। आई डोंट नो एक हाथ से कैसे करूँगा, तो आई मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ कैमरा को। इसको निकाल के फिर मैं आपको ठीक से दिखा दूँगा, ठीक है? ओके, तो इस तरह से इसे निकाल लेते बाहर। वाओ, कि मेरे हाथ का जो थोड़ा सा जो ऑयल है वो स्क्रीन के ऊपर लग गया, मतलब ऊपर की साइड पे। इसको मैं साइड में रख देता हूँ अभी, ठीक है? अभी मैं ऊपर से लैपटॉप का लुक दिखाता हूँ आपको। सी, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगे मेरे हाथ का, ठीक है? यहाँ पे ऐसा स्टफ का लोगो है, ये पूरा मिलिट्री ग्रेड लगता है। यहाँ पे पूरा टफ का ब्रांडिंग यही है, एकदम कूल लगता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स है और छोटी छोटी LEDs है, जैसे बैटरी हो गया, एरोप्लेन मोड हो गया, या फिर और 2-3 मोड है वो देखेंगे बाद में। यहाँ पे टफ गेमिंग लिखा हुआ है, ठीक है? इसको फ्रंट से दिखा देता हूँ। नीचे से यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, बाकी ये इधर, ठीक है? अभी इसको मैं एक साइड से दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये जो है वो चार्जिंग कॉर्ड, ये छोटा वाला गोल, उसके बाद ये इंटरनेट का कॉर्ड, फिर HDMI, ये USB पोर्ट्स दो और एक C पोर्ट, मतलब मोबाइल का जो चार्जिंग का कॉर्ड होता है वो। इसमें आप सी पोर्ट में अगर आप प्लग इन करेंगे तो आपको दूसरे डेस्कटॉप से तो आपको RTX का GPU का परफॉर्मेंस मिलेगा, और HDMI से करते हो तो आपको जो डेडिकेटेड इंटेल का जो GPU है उसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ठीक है? और ये जो है ये माइक जो आप हेडफोन लगाते हैं, ठीक है? ये वाला कॉर्ड है। अभी उस साइड में क्या है देखते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा लेकिन डिटेल्स बताना ज़रूरी है, शायद लोग सोचते हैं कि क्या क्या है लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक USB पोर्ट है, यहाँ पे शायद कुछ तो है, पता नहीं। ये विंड है, लैपटॉप गर्म होता है तो बाहर आने के लिए। अब पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ एकदम कूल है, यू नो, दिखने में तो एकदम कूल है। देखिए यहाँ से
हवा आने के लिए, यहाँ से हवा आने के लिए। ठीक है, अभी उसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे, एकदम आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, यह हनीकॉम डिज़ाइन है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा विंड है, पुराने असुस के लैपटॉप को यहाँ पे विंड नहीं है, बाकी मॉडल वगैरह है, डिटेल्स। बहुत ही लुक एकदम टफ लगता है पीछे से भी, प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन ऊपर का मेटल लगता है और नीचे से प्लास्टिक ही दिखता है। ठीक है, लेकिन एकदम टफ है। चलो इसको ओपन करते हैं। स्टार्ट में बूटिंग टाइम वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा लैपटॉप का, सबसे पहले बस मैं उसको दिखा दूंगा आपको स्क्रीन ओपन करके कि क्या क्या है। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना स्क्रीन ओपन। वंस वन हैंडेड ओपन हो सकता है, मैं तो एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तकलीफ़ है थोड़ा सा दिखाने में। तो सबसे पहले डिस्प्ले देखिए आप, 144 हर्ट्स अडाप्टिव सिंक है और ऑप्शनल है, आप इसको 240 भी मतलब ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, ओवरक्लॉक कर सकते हैं 240 हर्ट्स, तो सोने पे सुहागा है, मतलब 4K भी वीडियोज़ आप इस पर आराम से देख पाएंगे। यहाँ पे 720 MP का कैमरा है, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है कैमरा की वजह से थोड़ा सा, और यहाँ पे दाग ना पड़े जब क्लोज़ करते लैपटॉप पर, चार साइड रबर है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे ऐसा इसका ब्रांडिंग है। चलो अभी ये खोल के देखते हैं इसका माउस पैड, सॉरी कीबोर्ड पैड और माउस पैड। देखिए वेरी लवली लुकिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, थंडर बोल्ट TM4, बिजली मतलब थंडर बोल्ट। ठीक, डिज़ाइन तो सेम ही है अंदर का, मतलब जो पुराने असस के लैपटॉप है, और डेडिकेटेड कीपैड है, माउस कीपैड। यहाँ पे इंटेल कोर i5 11 जनरेशन तो नहीं लिखा है, बस i5 लिखा है, RTX GeForce, बाकी DTS अल्ट्रा साउंड, मिलिट्री ग्रेड, मतलब इसका जो बॉडी है वो मिलिट्री ग्रेड है, मतलब बिल्ड क्वालिटी। वाईफाई 6 सर्टिफाइड, SSD स्लॉट 1/512 का दिया हुआ है, एक खाली है आप और एक डाल सकते 512 है या 1 GB जो भी है, 1 TB। RGB कीबोर्ड है, उसके बाद मतलब जो लाइटिंग जलेगा अलग अलग रंग का। उसके बाद टू वे AI नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस कैंसिलेशन आपको पता है रिकॉर्डिंग के टाइम काम आता है। डुअल 83 ब्लेड फैंस, ये थर्मल्स के लिए काम आते हैं, और यहाँ पे लैपटॉप का ब्रांडिंग। तो ये था ओवरऑल लुक ऑफ असस टफ गेमिंग F15 लैपटॉप। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है i5 11 जनरेशन लेटेस्ट, i5 11400H, 6 कोर 12 थ्रेड्स। ठीक है, बेसिक जो इसका क्लॉक है वो 2.70 और ओवर क्लॉक होता है 4.6। ठीक है, इसका इसमें मेमोरी है 512 और एक SSD स्लॉट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, और इसमें रैम है 16 GB, और बाकी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना वहाँ से। अगर मेरा वीडियो लाइक अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। बाकी रेड गियर का जो माउस पैड है उसका मैं छोटा सा वीडियो फिर से बनाऊंगा, ताकि ये स्पेशली इस लैपटॉप के लिए ये वीडियो मैं डालूंगा ग्रुप पे, मेरे चैनल पे। तो बाय बाय टिल देन, और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं इससे रिलेटेड डालूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ तब तक के लिए। थैंक यू।